ಭಕ್ತಿ ಏನು ಅವಸ್ಥಾ ಇದೆಯಾ? ಓ ಜಾಗೃತ ಕಾಲ ಮೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಔರ್ ಮನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಭೇಷ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೋತಾ ಹೈ ಜೀ, ಔರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಥಕ್ ಜಾತೆ ಹೈ, ತಬ ಇಂದ್ರಿಯ ಜಬ್ ಕಾಂಕುರಾ ಜಬ್ ಛೋಡ್ತಾ ಹೈ ಛೋಡ್ತೇ ಹೈ ತಬ್ ಸ್ವಪ್ನ ಮೇ ಪ್ರವೇಶ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಠೀಕ್ ಹೈ, ಮನ್ ರಹತಾ ಹೈ ಯೇ. ಹಾ ಜೀ, ವಹಾಂ ಪರ್ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾ ವಿಶೇಷ ಕ್ಯಾ ಹೈ? ವೋ 19 ತತ್ವ ಹೈ. 19 तत्वों में वो अंतकरण चतुर्थी भी है. बिल्कुल है, अंतकरण चतुर्थी जैसा है वैसा ही है स्वप्न में. बाकी 19 वासना में है, पर सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, स्थूल वाले नहीं है. हाँ, उसको सूक्ष्म में नहीं बोल सकता. अच्छा, वहां पर शरीर जो चलता फिरता है ना, मतलब जो भी वहां हो रहा है मन का ही विलास, सब वासना ही दिख रहा है. ठीक 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 ठीक. फिर वहां पर का शरीर, हाँ, वासना शरीर है जी. वो यहाँ पर का रास्ता घोड़ा सब कुछ, और यहाँ वहां पर रहने वाला इंद्रिय है वो भी वासना में जी जी जी. वहां पर रहने वाला प्राण भी वासना में, वाक सर्व सब कुछ वासना. अंतकरण चतुष्टय छोड़ कर जी उस समय अंतकरण बनता है. ठीक है ना, और बाद में उसी प्रकार वो जब मन भी थक जाता है सुषुप्ति में प्रवेश करता है, उस समय बोलता है प्राज्ञा. ठीक, जैसे प्राज्ञा को नहीं है ना, अब ऐसा बोलो भविष्य प्रज्ञा अंत प्रज्ञा प्रज्ञान घना प्रज्ञान घन. ठीक है, प्रज्ञा भी बोध वहां नहीं होगा, केवल है सत्ता भर है. ठीक है, हाँ, हाँ, जी जी जी. मैं वो ऐसा रखो भविष्य प्रति जानता है. हाँ, ठीक है, तो जानने में कर्म में थोड़ा दोष हो सकता है, उसके बाद में देखेंगे. हाँ, भविष्य प्रति वो जानता है मैं हूँ. इसका मतलब क्या हुआ? उसका सामान्य ज्ञान हो गया. ठीक है, उसका सामान्य ज्ञान भी नहीं था पहले, भाष्य का सिखाने के बाद मालूम हो चुका सामान्य ज्ञान ये मैं हूं ऐसा मालूम है ना. इसलिए ये मैं ही ज्ञाता स्पष्ट हो गया आपको? ठीक है जी. हाँ जी, अभी यहाँ पर अलग अलग पूछते हैं वो
इस अवस्था में जी एक बार तड़के ला रहकर आनंद में हो जाता तो जो प्रकाश जागृत और स्वप्न में इंद्रियों और मन को प्रकाशित करता है वो वास्तव में इस प्रज्ञ का ही है। कैसा देखो ओ तब प्रकाश विरुद्ध स्वभाव है ना। हाँ जी इसको देखो अभी वो रूप से शुरू करो क्योंकि देखना बहुत प्रबल ज्ञान है। देखना ठीक है फिर वहां से शुरू करेंगे। मैं वो जागृत काल में सूर्य को देख रहा हूँ, सूर्य से की सहायता से देख रहा हूँ। सूर्य नहीं है तो इसको नहीं देख सकता। रात काल में क्या करता हूँ, रात में वो दीप का प्रकाश से देखता हूँ है ना। मतलब वो प्रकाशक हो गया वस्तु का, प्रकाशक के सहारा से मैं देखता हूँ है ना। अभी सुनो प्रकाशक मतलब क्या है, जो रहने से इसको समझ में ये समझ में आता है रूप जी, नहीं तो समझ में नहीं आता है वो एक प्रकाशक है। ठीक है अभी इसको एक्सटेंड करो, दीप का प्रकाश प्रकाशक हो गया। ठीक है दीप भी एक वस्तु है। बिल्कुल है बिल्कुल है। दीप को जब देखता हूँ वो जो रहने से इसका दीप का ज्ञान होता है, जो नहीं रहने से नहीं होता है सब कुछ। Okay, बिल्कुल है। इसलिए दीप का प्रकार आंख हो गया। ठीक है उसी प्रकार ओ क्या रहने से आंख का ज्ञान होता है, क्या नहीं रहने से नहीं होता है मन। ठीक है उसका प्रकाश मन का बुद्धि हो गया, प्रकाश बुद्धि का प्रकाश। ठीक इसलिए मूल प्रकाश प्रत्येगात्मा ही है। ठीक है जागृत स्वरूप के इस विश्लेषण से एक विस्मयकारी तथ्य सामने निकल कर आता है, वह है कि जागृत में सब स्वाभाविक रूप से अपने को समझते हैं कि पुरुष युवा। भाष्यकार बताने तक किसी को इस पर ध्यान भी नहीं जाता। चमत्कार देखो आपने देखा, अरे क्या ये क्या हो रहा है, ऐसा होता है क्या रहा मतलब क्या है। वहां पर मैं हूं मैं जानता हूं सुषुप्ति में, यहां पर भी मैं हूं जानता हूं, स्वप्न में भी मैं हूं जानता हूं, लेकिन बहिष्प्रज्ञ होकर सिर्फ बाहर देखता हूँ, अंतःप्रज्ञ होकर सिर्फ स्वप्न मनोवासना मनोवासना को देखता रहता हूँ, इधर कुछ नहीं देख रहा हूँ। वो तो जागने के बाद माने जागने के बाद पता लगेगा कि स्वप्न सुषुप्ति में था। अच्छा ठीक है हाँ सुनो, ये लोग बड़ा प्रश्न ऐसा पूछते हैं, ये बड़ा नहीं है क्योंकि इसको देखो उत्तर जानना, वो उपदेश बना है किसको के बारे में बात करते रहते, उस समय क्या होता है बाद में देखो। सही 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 है ना। इसे बहिष्प्रज्ञ के ज्ञान में मैं अंतःप्रज्ञ हूँ जब बोलता है, स्वप्न में नहीं बोलता है। उठने के बाद अंत प्रज्ञ बना, ठीक है उठने के बाद प्राज्ञ बना है ना। इसलिए ओ इट इज एविडेंट इसको याद रखना, जब समझने के लिए प्रश्न पूछता है सरल रूप से समझाओ। ठीक है क्या अहंकार से ऐसा प्रश्न किया ऐसा मारो। ठीक है शटम शटम समाज रहे हाँ। जी ना? ठीक ठीक ठीक। इसलिए वो वहां पर क्या है सर, कुछ भी संबंध नहीं है, जगत से नहीं है, शरीर से नहीं, इंद्रियों से नहीं, कर्म ध्यान इंद्रिया मन से बुद्धि अहंकार से नहीं है, वही हो यहां पर ये
ऐसा कुछ मैं ही हूं ऐसा जाना। महावीर चमत्कार को देखो कैसा बोलता हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो मैं ही कर रहा हूँ, ठीक कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया और मेरा पैर थोड़ा खराब हो गया, हाथ खराब हो गया, ऐसा बोलता है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। जब कभी वो मैं आयुष्यशी होता हूँ तब दो शरीर के ऊपर आता हूँ, ठीक है ठीक है, मतलब थोड़ा साइकोलॉजी साइकोलॉजी एनालाइज किया, मतलब क्या है मैं हमेशा दोष रहित हूँ वो जानता है, लेकिन उस बात का उसको एक तरीके से सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है जी, ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है नहीं जानता है। हाँ लेकिन अच्छा हो रहा है तो मैं, कुछ अच्छा नहीं तो ठीक नहीं तो शरीर से ठीक है, ठीक 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 है। अभी ये क्या हुआ, मैं भी जो कर रहा हूँ उसको अध्यास बोलता है, ठीक है, है ना, मतलब मैं जो नहीं मैं वो ऐसा समझ रहा हूँ, ठीक ना? जी स्वामी जी। और यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर अध्यास वर्ष में किसी शास्त्र वाक्य का उल्लेख नहीं किया। हाँ जी, ये वैष्णव आक्षेप भी करते हैं सा आक्षेप नहीं जानता है तभी करते क्या है जी? वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है जी, उसके प्रवेश इसमें प्रवेश करना, उसकी संगति सिद्ध करने के लिए संगति करना, जी 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 जी, संगति करने के लिए क्या समझाना, मैं प्रत्यगात्मा ब्रह्म ऐसा समझाना, ये स्पष्ट ज्ञान है। किसके बारे में स्पष्ट ज्ञान हो सकता है, जिसके बारे में सामान्य ज्ञान है उसी के बारे में ही होता है। बिल्कुल ठीक है ना, सिर्फ सामान्य ज्ञान भी जब तक मैं नहीं रह मेरे में नहीं रहता है तब तक विशेष ज्ञान के बारे में क्या करना, तो स्पष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए सामान्य ज्ञान को मैं शास्त्र से नहीं लेके, शास्त्र क्यों है, विशेष ज्ञान देने के लिए है, ठीक बात है। इसलिए सामान्य ज्ञान को केवल लौकिक अनुभव से ही दिखाया है शंकराचार्य, स्पष्ट हो रहा है आपको, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल है ना, शास्त्र में क्या है मैं विश्वास रखना या नहीं रखना कैसा सिद्ध होता है, सही सही सही, मेरे अनुभव में है तो शास्त्र कुछ भी बोले बोलो, मेरा अनुभव ऐसा है, अपने अनुभव को कोई काटेगा भी नहीं, शास्त्र को तो कदाचित ना विश्वास रखे काट दे, कुछ कर सकता है, अपने अनुभव को कोई नहीं काटेगा। यहाँ पर इसलिए अनुभव के आधार पर ही दिखाया है, रे मूर्ख देखो तुमको संबंध नहीं है लेकिन संबंध को दिख रहा है, जी जी जी, इसको सिद्ध करने के लिए दिखा रहा है, ठीक 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 ठीक। अभी बाद में आखिर में प्रश्न आएगा, इसलिए मैं कौन हूँ पूछा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ठीक 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 ठीक, स्पष्ट हो गया। हाँ जी स्वामी जी, और कुछ लोग बोलते हैं भाष्यकार में यह दोष देखते हैं कि उन्होंने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण नहीं किया, क्या बड़ी बात है, ये संप्रदाय के लिए इतना जान दे रहे हैं, यहां तक छोड़ दिया मतलब नहीं, ऐसे लोगों को वो संदर्भ के नहीं समझा है। मंगलाचरण उसी के लिए प्रयोजक है जिसने अपने अविद्या रूपी दोष को जान लिया, अरे मैं दोष हो गया जी, आप बड़ी बात बोल रहे हैं शास्त्र समझना, उसको मंगल के जाना उसे, आई डोंट केयर तुम्हारे घर ब्रह्म तो कुछ भी हो, उसको मंगलाचरण चाहिए, ना 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 है ना, इसलिए वो यहाँ पर जिसने नहीं जाना है वो उस मूर्ख को मूर्ख के लिए नहीं है, अध्यास वर्ष मूल ग्रंथ का भाग नहीं है,
वह तो ग्रंथ की भूमिका है जो साधक को मंगल संदेश के लिए तैयार करती है। जी, साधन संपत्ति से संपन्न साधक के लिए सूत्रकार द्वारा शब्द का शरणार्थ मंगल सूचक हो गया है। उसमें अव्ययक संदेश जोड़ना इष्टों का व्यवहार नहीं है। स्वामी जी, जैसे यहाँ तो सूत्र भाष्य में इन्होंने मंगलाचरण नहीं किया, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से संगति सिद्ध करने के माने उसकी भूमिका एक प्रकार से लिखी है यहाँ भाष्य की। क्योंकि वहाँ अर्थ है वो तो हो गया। हाँ, लेकिन जैसे अन्य के साथ सूत्र के साथ मैं भी एक अर्थ बोलता हूँ, क्यों बोलना, ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसे उपनिषद भाष्य वगैरह लिखते हैं वहाँ तो मंगलाचरण कई जगह करते हैं, करते हैं, बृहदारण्यक में करते हैं, तैतरीय में करते हैं, करते हैं। हाँ हाँ, इसलिए मतलब क्या है, जब वो स्वतंत्र अभी मैं लिख रहा हूँ, हाँ, ऐसा नहीं है भाष्यकार सूत्र का जो बोला उसको देख रहा हूँ, मतलब मंगलाचरण उन्हीं उन्हीं की पूरी गाइडलाइन को फॉलो, रोड मैप को फॉलो कर रहे एक तरीके से जो उन्होंने बनाया, उसी पर बृहदारण्यक में आता शब्द नहीं है। नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं यहाँ पर क्या किया है, ठीक है, उसको और एक जोड़ना मैं कौन हूँ जोड़ने की, सही सही सही। सूत्रकार सर्वस्व है, अभी सूत्रकार से पीछे मैं जाना नहीं है मेरा काम। ठीक 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 ठीक। इसका मतलब क्या है, वो एकदम संप्रदाय को पकड़ा, मन कैसा काम करता है उसको देखो। मैं संप्रदाय अरे इतने बड़े सूत्रकार लिख रहा है मैं कौन है, मंगलाचरण करने के लिए वो बोला है ये होता है नहीं, सही 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 सही। वो है ना, प्रत्यय हो शुरू हो है ना, वो प्रत्यय एक्चुअली वो उसका मतलब है, वो किसी वस्तु का ज्ञान पैदा होता है ना बुद्धि में, उसका प्रत्यय होता है। ठीक है, यहाँ पर अस्मत् प्रत्यय गोचर बोला, अस्मत् प्रत्यय गोचर बोला, मैं ऐसा ज्ञान सामान्य ज्ञान है ऐसा हो गया, किसके बारे में है, को है, को है, किसके बारे में, ये क्या है, प्रत्यगात्मक, प्रत्यगात्मक है ना, ठीक है, तो सामान्य ज्ञान हो गया जी, तेरे के बारे में कुछ और मैं उसका वो अस्मत् प्रत्यगोचर को मिलता है क्या तुरीय, इसलिए वो तुरी अस्मत् प्रत्यगोचर के स्थान में तुरी को रख सकता है क्या, नहीं नहीं स्वामी नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर स्वामी जी जैसे वो मेरे नितिन जी से इस बारे में डिस्कशन हुई थी कि भामतिकार के विषय, भामतिकार ने तो नहीं लिखा डायरेक्टली कहीं पर भी तुरी, सुनो लेकिन ये तो ठीक है यहाँ पर उसको भी कारण है क्योंकि बोलने के लिए डर है लेकिन वही क्या है, अच्छा क्या है वही लेकिन बोला नहीं है क्योंकि डर है अंदर से, बोले तो पकड़े जाए पक्का नहीं, क्षेत्र क्यों नहीं देखा, हाँ इसको उसमें दिमाग में नहीं आया, सुषुप्तात्म में नहीं आया, लेकिन उनके दिमाग में तुरी ही है, तेरे बल के लिए डर है, अस्मत प्रतिगोचर नहीं है, इसलिए ऐसा करता है, समझा आप कैसे कर, शावर है जी जी जी, वो क्षेत्र क्यों रखना ऐसा ध्यान में नहीं आया, वो किसी भी संस्कार के गलत से तुरी आ गया हो सकता है, लेकिन तुरी बल के लिए डर है, जानता है अस्मत् प्रत्यगोचर नहीं है ऐसा, इसलिए चुप हो गया। ये रिसर्च करने वाले सब ये दगड़बाजी करते हैं, सब करते हैं, याद रखो है ना, इसलिए ऐसा ही बोलते रहा, सबको दिमाग में आत्मा आत्मा बोलते ही तुरी ही याद आता है, किसी को प्रत्यगात्मा नहीं लगता, नहीं आता, नहीं आता, समझा ना, इसलिए वहां पर ओ विशेष विशेष अच्छा यहाँ पर देखो उसमें अस्मत् प्रतिगोचर हो गया, हो गया। अभी देखो यहाँ पर अस्मत् प्रत्यय युष्मत् अस्मत् कैसा बोला, युष्मत् मतलब चैतन्य को संकेत सूचित करता है युष्मत्, नहीं तो तत्ता ना है, युष्मत् को क्यों किया जी, इसमें अलग अलग प्रकार से देखो, कोई बाहर के जगह सूर्य चंद्र आदि में कोई अध्यास नहीं करता, युष्मत् में ही करता है, ठीक है ना, ओ यहां पर इसलिए युष्मत् से ही बोला, बाद में पुत्र भार्या दिशु सारा संभव भी है,
तेरी युष्मत बेगर भर में नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर युष्मत बोलते ही उसमें इसमें ध्येय क्या है, युष्मत और अस्मत को अलग करने का ध्येय है। अभी जी अभी वो मैं ऐसा जो भ्रष्ट बोलता है तब प्रतिमात्मा के बारे में नहीं बोलता है। जी अपने शरीर को अलग कर ही बोलता है। बिल्कुल, इसलिए अस्मत को भी उसमें दिमाग में शरीर ही है, युष्मत को भी दिमाग में ही है, हाँ जी शरीर ही है ना। इतना रहने पर भी युष्मत अस्मत दोनों स्थान में शरीर ही रहने पर भी युष्मत अस्मत को दोनों अलग कर रहा है। कैसे युष्मत अस्मत? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, इसलिए पहले अलग करने दो बाद में देखेंगे। ठीक है, युष्मत अस्मत पर अगवान कर क्या किया, अलग कर लिया युष्मत और अस्मत को अलग कर लिया। बाद में विषय विषय हो बोला, मतलब अभी अलग को कर चुका है, ये अलग कौन कौन है ऐसा पूछा, तो एक विषय विषय है विषय ये है सब, ठीक है है ना। अभी स्पष्ट हो गया, मैं दूसरा पत्नी पुत्र को युष्मत ऐसा बोलने पर भी वो अलग हो चुका, लेकिन देख रहा हूँ वह विषय नहीं है, ये केवल विषय ही है, विषय है। इसलिए विषय कौन है पूछा तो मैं ढूंढना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी है ना, इसलिए शरीर से अलग करना पड़ेगा क्योंकि मेरा शरीर भी मुझे ध्येय है, हाँ है ना, इसलिए विषयी बोला। अच्छा, और विषयी जब बोलता है याद रखो इधर न रहने वाला बहुत पॉइंट आता है, सब बोलते बोलते विषयी बोलते मन को रख सकता था, बुद्धि को रख सकता था है ना, लेकिन तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव हो बोल दिया, क्यों बोला, वो भी तमसी है ये है ऐसा दिखाने के लिए पूरा अलग करके बोला तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव। ठीक, शायद स्पष्ट हो गया होगा, हो गया है ना। इसलिए वो युष्मत प्रसाद के बोलते विषय विषय बोलते ही धीरे धीरे अलग कर रहा है, विषय बोलने के बाद अरे मैं विषय हो, इसे मेरे शरीर से भी मैं अलग देखना मुझे ऐसा आता है। जी आता है, है ना। बाद में शरीर से पूरा अलग करने के लिए, शरीर से मतलब शरीर से भी अलग करने के लिए जी तो प्रकाश विरुद्ध स्वभाव बोला है। ठीक है स्वामी जी, जैसे अब खैर थोड़ा सा विषय उधर हो जाएगा, विषयांतर ना हो, लेकिन एक मेरी जिज्ञासा हो रही है, जो ये क्या कहते हैं अपना पंचकोश का जो विचार करते हैं, उसके बाद पंचकोश का भी जो साक्षी होता है अस्मद प्रत्यगोचर तो वही है ना, इसके अतिरिक्त तो जो भी बचा वो युष्मद हो गया सब, उसमें उसमें अन्नमय भी गया, सब कुछ सब चला गया। अगर हम ये कहें सीधा सीधा कि जो वहां पर पंचकोश का साक्षी हो गया प्रत्येक आत्मा, अस्मत प्रत्येक इतने में डिफाइन हो गया अस्मत प्रत्येक गोचर। अभी प्रश्न पंचकोश को क्यों खींचने का है बोलो? नहीं, इसलिए लेकर क्या है, मतलब वो पुराना संस्कार बना हुआ है ना प्रकरण ग्रंथ वाला, वो दोष खड़ा कर रहा है। जी जी, पंचकोश भी पंचकोश में है, वो मन से अलग कुछ नहीं है, हाँ अनु शरीर है, प्राण है, प्राण है, हाँ जी, मानव में आत्मा विज्ञान में आत्मा है, है वो आनंदमय आत्मा मन ही है। हाँ ठीक है, मन ही है, एक वृत्ति है, हाँ, इसलिए वो पंचकोश में विशेष कुछ नहीं है, अभी जो बोला है वही है। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन वहां पर क्या बताया पूछा, यहाँ पर कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व ऐसा तीन दोष है, तीन है जी, और भोक्तृत्व हटाने के लिए पंचकोश विमर्शा है, अच्छा, ज्ञातृत्व हटाने के लिए अवस्थात्र विमर्शा है, हाँ, कर्तृत्व हटाने के लिए शरीर विमर्शा है। इसलिए क्या हुआ वो तब प्रकाश विरुद्ध स्वभाव हो बोला जी, इतने तरह भावानों को पता हूँ, ये जत उसे कैसी चीज़ अवभास कम तब तक जो शब्द हैं जब भी ये थे जो सूत्र भाषा प्रकाश है जिसको सब कुछ में से बोलता है। हाँ जी, ओ अभी यहाँ पर प्रश्न ऐसा है, तम प्रकाशों की व्याख्या के बाद एक प्रश्न यह उठता है कि प्राग्ञ तो प्रत्यगात्मा अंतर की आत्मा है, लेकिन तुरी शुद्धात्मा तो प्रत्यक्तर आत्मा है,
ठीक है। अच्छा मैं क्या शुद्धात्मा को ही मूल विषय के रूप में रखना ज्यादा उचित नहीं है? अच्छा पूछा न रखना क्योंकि अध्यास ब्रह्म में जो फंसा हुआ है वह क्षेत्र निजीव ही है, तुरी शुद्धात्मा नहीं है, नहीं है ना। इसलिए इसको अलग करके देखा तो क्या होता है, मैं स्वामी जी ये जो कर्तृत्व ज्ञातृत्व और भोक्तृत्व भी आपने कहा था उसके लिए क्या क्या बताया था एक बार पुनः कहिए। ज्ञातृत्व के लिए षड्यंत्र है, दृग्दृश्य वेग है, कर्तृत्व हटाने के लिए ठीक है, और ज्ञातृत्व को हटाने के लिए अवस्था त्रिमश है, ज्ञातृत्व के लिए अवस्था त्रय ठीक है, और भोक्तृत्व के लिए क्षेत्र क्षेत्र भिन्न स्वभाव हो इतर धर्माध्यास गीता भाष्य यहाँ पर क्षेत्र को स्पष्ट लिखा है वहां पर क्या बोला है पूछा, वो यहाँ पर वो प्राज्ञ कौन है पूछा, स्पष्ट बोला है भूत भविष्य ज्ञातृत्व सर्वश्य ज्ञातृत्व अस्य वेति प्राज्ञः ठीक बोला है ना। इसलिए क्या स्पष्ट होता है पूछा, क्षेत्र ही ज्ञाता है ठीक है ना, उनके दिमाग में अच्छा जिनके लिए लोगों को भी ज्ञाता बोलते ही भ्रष्प्रज्ञ ही खड़ा होता है सामने ना, लेकिन ज्ञाता का एक अंश है भ्रष्प्रज्ञ क्योंकि बाह्य जगत को सिर्फ उतने ही देखने वाला है, अंतप्रज्ञ भी और एक अंश है वो वासनाओं को देखता है ठीक है, लेकिन वो कृत्स्न ज्ञाता कौन है पूछा वो ही है, एक एक उपास एक एक होता है, किसकी उपाय हो इसका प्राग उपाय से अलग अलग ढंग देख पड़ता है ठीक है ना। अभी इसलिए वो यहाँ पर ज्ञातृत्व क्षेत्र जी का है उसी को रखना ठीक है जी है ना। वहां पर कोई विषय स्वयं अपना विषय नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येगात्मा प्राग भी अपना विषय नहीं बन सकता ठीक, तब वह अस्मत प्रतिबोध कैसे हो सकता है, कैसा हो सकता है, कैसी कैसे कैसी है ओ कैसे है चाचा, कैसे होगा कैसे हो सकता है, गोचर तो अभी हो गया ना, हाँ जी कैसा हो सकता है पूछा, जागृत और स्वप्न में समान सुषुप्ति काल में अहम प्रत्यय नहीं रहता ठीक, इसलिए प्राज्ञ प्राज्ञ को ही विषय नहीं होता, प्राज्ञ प्राज्ञ को विषय नहीं होता, कर्म करते विरोध हो जाएगा जी, लेकिन बुद्धि प्रत्यय को प्राप्त कर सकने वाले भविष्य प्रज्ञ के लिए यह विषय कैसे विषय है कैसे, सुनो कोई भी सुरूप से उठने के बाद नखिंचित वेश सम और बीज अवस्था में नखिंचित वेश उत्तर से प्रत्येक शांति है, इसलिए प्राज्ञ भविष्य प्रज्ञ के लिए विषय है जी, सबका अनुभव है ठीक है ना। लेकिन बहिष्प्रज्ञ अपने को निश्चय रूप से जैसा पुरुष युवा समझाता है समझता है उस प्रकार प्राज्ञ को नहीं जानता है, हाँ जी, इसलिए जानने को उत्सुक होता है, इसको इतना रहने दो, बाद में हम विश्लेषण करेंगे कि जो विषय नहीं हो सकता वह आखिर विषय बनता कैसे, बाद में बोलेंगे ठीक है ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत स्वीकार चीज इस प्रकार का नहीं तो नहीं हो सकता। इस प्रकार यह प्रसिद्ध है कि क्षेत्र जो कि विषय और तमो रूप है, विषय और प्रकाश धर्म वाले क्षेत्र से अत्यंत विलक्षण है, यह भी प्रसिद्ध है कि प्राज्ञ और जागत प्राज्ञ और जगत प्रत्येक हो जाए, इस प्रकार दोनों में एक ही सादृश्य विषयत्व है ना।
जी इतरेतर भाव अर्थवत्त सिद्धायाम जी सिद्धायाम वो एक दूसरा नहीं हो सकता ऐसा स्पष्ट होने पर भी तो धर्म भी सुसरा इतरेतर भाव अनुपत्ति वो ये एक धर्म को दूसरे में नहीं डाल सकता वो भी स्पष्ट है इत्यतः अस्मत् प्रत्योचर विषय चिरात्मके युष्मत्तरुगोचर विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः यहाँ पर पहला अध्यास बोल रहा है अस्मत् प्रत्योचर विषय चिरात्मके युष्मत्तरुगोचर विषयस्य धर्माणां च धर्म उनके धर्मों का अध्यास करना मतलब विषय विषय चिदात्मा में युष्मत् प्रत्योचर विषय का अध्यास उसके धर्मों का अध्यास करना उसी को आने तो उसका दोनों है स्वामी जी जिसमें स्वप्न में मन तो दोनों विषय विषय बनता है स्वप्न में तो बनता ही है मन जो है ना ना सुनो वहाँ भी वो स्वप्न में मन तो है मन का जैसे प्राज्ञ ही ज्ञाता है ज्ञाता सर्वत्र प्राज्ञ ही है ना अब उर्वादी के द्वारा अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता इंद्रियों के साथ क्या बहिष्ट प्रज्ञ होता है और सिर्फ मन के साथ ही सिर्फ इंद्रियों को छोड़ कर दिया अर्थ प्रज्ञ होता है ना अभी अच्छा और तद्विपर्येण कृषिण तद्धर्माण च विषय अध्यास मिथ्या माने विषयी का विषयी में विषयों का और उनके धर्मों का और बिल्कुल वैसे उसके विपरीत फिर विषयी के धर्मों का विषय में अध्यास करना एक दूसरे में एक दूसरे हाँ अभी सुनो अभी तेरी लिया है सड़क को तेरी लिया वो क्या होता है वो तुरीय धर्मों के अध्यास वो युष्मत् प्रत्योचर में करना पड़ेगा तुरीय में ऐसा लक्षण कुछ है ही नहीं करने के लिए तो करेंगे क्या ने क्या किया वो विपरीत अध्यास बोलते है उड़ा छोड़ दिया कुछ नहीं बात कर स्वामी जी ये जो पीछे एक वर्ड आया विषय नहीं चिदात्मा के ये चिदात्मा के विषय में कुछ आप कहें चिदात्मा के मतलब बहुत चित्त है चैतन्य है ठीक है प्रत्येगात्मा चिदात्मा के है ना इसलिए वो उसका विशेषण है विषय नहीं चिदात्मा के क्योंकि ये चिदात्मा के वह भी चिदात्मा शब्द का प्रयोग भ्रांतिकार भी कर रहे हैं क्या या वो कहेंगे इधर ही है ना हाँ इधर ही है ना इसलिए चिदात्मक शब्द प्रयोग होने दो ठीक है लेकिन ये चिदात्मक जो है यहाँ पर कैसा चिदात्मक है वो उसके धर्मों को वहां बना रहा है ठीक है विषयों में ठीक है वहां पर उनके दिमाग में जो चिदात्मक है वो तुरी तुरी उसको अध्यास करने के लिए कुछ है ही नहीं होता समझा इसलिए कहीं भी आप विपरीत अध्यास के बारे में सुना है शंकराचार्य स्पष्ट बोला है तो कोई नहीं इसके बारे में बात नहीं करता है क्यों अब समझ आ रहे हाँ जी ओ अभी अच्छा हाँ जी इस प्रकार यह प्रश्न है कि क्षेत्र जो कि विषय और स्वरूप है विषय और प्रकार रूप क्षेत्र अत्यंत विरुद्ध है यह भी प्रसिद्ध है कि प्राज्ञ और जगत प्रतिगोचर है जी इस प्रकार दोनों में एक ही सादृश्य विषयत्व ये हो गया अभी फिर सादृश्य कर सकते हैं जी 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 ज्ञान क्रिया तभी संभव है जब विषय और विषय भिन्न हो ठीक है अगर वे भिन्न नहीं है तो ज्ञान क्रिया असंभव है हाँ जी सब जानते हैं कि क्षेत्र विषय है और क्षेत्र विषय इसलिए यह प्रसिद्ध है कि एक का दूसरा होना फिर एक का धर्म दूसरे में होना अजात है फिर भी हम क्षेत्र और क्षेत्र को मिला देते हैं हाँ जी पुरुषत्व स्त्रीत्व आदि शरीर धर्म सुनता आदि इंद्रिय धर्म ज्ञान क्रिया वृद्धि धर्म ये सब क्षेत्र और उसके धर्म है नेत्र तो क्षेत्र क्रिया धर्म है जी। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्र के धर्म अत्यंत भिन्न है सबका अनुभव यही है कि ज्ञात प्राज्ञ को क्षेत्र में क्षेत्र से संबंध नहीं है सब जानते हैं इससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है इसके बारे में जी तो भी हम कभी न
मेरी बुद्धि, मेरी आंख, मेरी शरीर, मेरा शरीर, ऐसा कहकर अपने को बुद्धि इंद्रिय शरीर से अलग करते हैं। और कभी कभी मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं पुरुष हूँ कहकर बुद्धि इंद्रिय शरीर को स्वयं ही समझ कर व्यवहार करते हैं। हाँ जी, अर्थात क्षेत्र को ही स्वयं इस प्रकार गलत समझते है। इसी प्रकार बुद्धि इंद्रिय शरीर का धर्मों को स्वयं मानकर मैं निश्चय करता हूँ, मैं देखता हूँ, इस प्रकार भी करता है। इसलिए उतना ही नहीं, तद्विपरीत क्षेत्र में प्रत्येगात्मक धर्मों का भी अध्यास करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर क्या है, प्रत्येगात्मक धर्म क्या है? प्रत्येगात्मक धर्म दो है, ज्ञातृत्व है और आनंदभुक है ना, आनंदमय है। आनंदमय मतलब अर्थात यहाँ पर आनंद प्राचुर्य प्राचुर्य के अर्थ में। यहाँ पर मैट को दो है, एक तो विकार अर्थक होता है या प्राचुर्य अर्थक होता है, विकार और प्राचुर्य। हाँ जी, ओ वहाँ पर विकार को लेना पंचकोश में, ठीक है, यहाँ पर प्राचुर्य को लेना, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि विकार नहीं है, ठीक है जी, वहाँ पर मोदा प्रमोदा इत्यादि अंग है, यहाँ पर कुछ अंग नहीं है, विकार नहीं है, लेकिन तो भी आनंद स्वरूप नहीं है, इसे तीन हो गया, आनंद विकार है, आनंदमय कोश जी। यहाँ पर आनंद में बोलते हैं आनंद प्राचुर्य है, हाँ, स्वरूप में केवल आनंद, ठीक है, तो स्वामी जी जैसे प्रत्येगात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द का प्रयोग करना ठीक है? किसको? प्रत्येगात्मा के लिए। सुनो, जैसे ज्ञातृत्व है तो चित्त, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर वो सुषुप्तात्मक करने में बहुत ठीक पक्का बैठाना है एक विषय को, ठीक है, एक ही सुषुप्तात्मा है, ठीक है, उसी को मैं वो अज्ञान काल में ज्ञाता बोलता हूँ, प्रत्यगात्मा बोलता हूँ, ठीक है, सब कुछ बोलता हूँ, अस्मत प्रत्यगोचर बोलता हूँ। हाँ जी, उसी तत्व को उसका नैज स्वरूप दिखाते समय, हाँ जी, मैं तो नहीं बोलता हूँ, ज्ञाता नहीं है, कुछ नहीं, नीति नीति है, ऐसा बोलता हूँ, ठीक है, तो मैं कह रहा इसका मतलब क्या है, शास्त्र दृष्टि से सुषुप्तात्मा ही ब्रह्म है, ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब तक बहिष्प्रज्ञ को ज्ञान नहीं आया है तब तक सुषुप्तात्मा में अविद्या को स्वीकार करना, क्योंकि अस्मत् प्रत्यगोचर बोल रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ही वो से बोल रहा है, ठीक ठीक, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, विश्लेषण न करके, शास्त्र अध्ययन न करके बात बात कर रहा है, हाँ ठीक है, इसलिए जब तक बहिष्प्रज्ञ में अविद्या है तब तक सुषुप्तात्मा में अविद्या स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है, जब बहिष्प्रज्ञ मिथ्या ज्ञान हट गया बाद में उसी को ब्रह्म बोलेंगे, ठीक, याद आ गया अभी, हाँ आ गया, आ गया, इसलिए यहाँ पर वो बहुत चर्चा है, बहुत बार प्रत्येगात्मा को ब्रह्म 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 बोला है और बहुत बार वो ज्ञाता बोला है, वो उसमें भय है बोला है, सब कुछ है ना, तब अविद्या का दशा में इसका वर्णन है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब बहिष्प्रज्ञ का अविद्या दशा में सुषुप्तात्मा वर्णन, ठीक है, बहिष्प्रज्ञ की ज्ञान दशा में तुरी का वर्णन, तुरी का वर्णन, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पठ हो गया, हाँ जी, अभी ओ इसलिए स्पष्ट है कि सुख राज्य का धर्म है, हाँ जी, क्या देखो यहाँ पर तो जागृत काल में है और सुख और विषय दोनों मिलकर आ रहे हैं, विषय के बिना नहीं आ रहे हैं जी, इसलिए वो सुख विषय में है और कहाँ है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वहां पर विषय बिल्कुल नहीं है, लेकिन आनंद तो है ही, बहुत अच्छा है, इसलिए आनंद को विषय से संबंध नहीं है, ऐसा उधर स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, निर्विषय आनंद है वहां पे,
इसलिए उसका स्वभाव है, उसका धर्म है, ठीक है। आनंद किसका धर्म है? उसका। इसलिए ये अपना धर्म हो गया, यहाँ तक तुम्हें उसी प्रकार है। हाँ जी, है ना। अभी वो क्या कर रहा है? पूछा, वो आनंद को विषय में देख रहा है, अध्यास हो गया। हाँ जी, यहाँ तक को देखो। हाँ, यहाँ तक को बुद्धि में डाल रहा है, ठीक है। कैसा डाल रहा है? पूछा, बुद्धि नहीं रही सुषुप्ति में, इसलिए मैं नहीं जाना, मैं नहीं जान पाया। हाँ जी, ठीक है। मतलब ज्ञान तो आता है बुद्धि से मुझे, ऐसा हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुना, पर चमत्कार क्या है? ये एकदम स्वरूप से देखा तो वही होगा कि ठीक है। ठीक 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 ठीक। इसलिए वेदांत शास्त्र में क्या है? हाँ। ऐसा 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 गिराता है ना, ये लोग थोड़ा भटकते हैं। बुद्धि से, बुद्धि के ऊपर डाल रहा है, मैं जाता ऐसा नहीं है। हाँ। है ना, बुद्धि उपाधि है। हाँ। इसलिए वो ज्ञात धर्म को बुद्धि में और आनंद धर्म को विश्व में डाल रहा है। विपरीत अध्यास हो गया, ठीक है। यात्री तो बुद्धि में और आनंद विषय में, ठीक है, है ना। इसी तरह सर्वशिक यात्री तो प्राज्ञ का स्वधर्म होने पर भी वह कहता है सुरुक्ति में मुझे कुछ नहीं पता नहीं पड़ा, इसलिए मैं ज्ञाता कैसे हो सकता हूँ। इस प्रकार संशय करते हुए वह जागने के बाद ज्ञात उसको अपनी बुद्धि में देखता है। हाँ जी, उसको लगता है कि वह तभी ज्ञाता होता है जब वह बुद्धि के साथ होता है, ठीक है। अन्यथा बुद्धि से रही तो अपने को चैतन्य रेसा मानता है। थोड़ा बोलता हूँ, एक बड़ा विद्वत सदस्य में इस विषय के बारे में एक घंटा भर होते रहा। अच्छा, अरे वो तर्क बाद में होने दो, कम से कम भाष्यकार बोला है ना, उसको देखो क्या बोला है। इसलिए यहाँ पर ज्ञातृत्व को कैसा निश्चय करना, ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न है, उस लक्षण को स्वीकार करने से ही निश्चय होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी जब बुद्धि के साथ है, अब बुद्धि के ज्ञात है या नहीं, जब बुद्धि के साथ है तो ज्ञात तो किसका है? ठीक है, इसका आपका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, समझे हो जाते हैं ना, इसलिए इसको याद रखो, ठीक है। और अर्थात वो यह रजत नहीं शुद्धि है ऐसा समझने के बाद भी शुद्धि का परीक्षण करके उसका निश्चय करने के संकल्प के अभाव में जैसा रजत ज्ञान में ही आगे बढ़ता बढ़ना मिथ्या ज्ञान है, उसी प्रकार यह अध्यास भी ठीक मिथ्या ज्ञान है। ठीक, ढीठ 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 है ना, मैंने फर्मली मिथ्या ज्ञान ही है ऐसा निश्चय हो गया। ये ढीठ को वो संस्कृत में बोलो दृढ़, क्यों ढीठ में क्या है मालूम है? वो इतना मूर्ख है, मारो तो ऐसा बोलता है, ये ढीठ है। उसको एक बहुत अच्छा पद क्या जो बर्तुरेरी कोई प्रयोग किया है और कहीं नहीं देखा, ये भूल गया मुझे ये पद। नीति शतक में किया, नीति शतक में किया बर्तुरेरी, कहीं होगा। हाँ तो तीन ही शतक, हाँ ठीक है, मैं उसको फिर एक बार पूछना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरा किताब है उसको देखना पड़ेगा, कहीं लोग नोट किया है, इसको देखो, ठीक है। मतलब वो जितना भी बुद्धि बोलो, पीटो, अच्छा बोलो, कुछ भी बोलो, हाँ हाँ ऐसा ही बोलता रहता है ना, मुंडू बोलता है, जैसे मंद बुद्धि होते हैं जिस प्रकार से छात्र, उस टाइप के। हाँ उस टाइप, हाँ ठीक ठीक, बहुत बड़ा मूर्ख ऐसा है। प्राग में रहने वाला शरीर धर्मों को प्राग में देखना हो,
में नारायण और सुख ज्ञात को विषय और बुद्धि में देख रहा हो, ऐसा मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान का विषय मिथ्या है, अर्थात दिखाई पड़ने देने पर भी असत है। हाँ जी, उदाहरण के लिए शुक्ति में नारायण वाला असत को देखना मिथ्या है, असत है। यहाँ याद रखने वाली बात है कि रजत वस्तु मिथ्या नहीं है, शुक्ति में नहीं पड़ने वाला रजत मिथ्या है। ठीक है, मरीचिका में देखा जाने वाला पानी मिथ्या है, असत है। यहाँ मरीचिका प्रतिभा सत्य है, पानी व्यवहार सत्य है, दोनों सत्य है, मिथ्या नहीं। इसलिए पानी जैसे नहीं पड़ने वाली मरीचिका वैसा समझना मरीचिका का यथार्थ ज्ञान है ना। इसलिए तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता अन्योन्य धर्मांशस्य इतरेतर अतिरेकेन ओ अत्यंत वित्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्ता सत्य अनुते व्यतिरिक्त्य अहम् इदम् मम इदम् इति नैसर्गिको अयम् लोकव्यवहारः। ठीक, अभी देखो नैसर्गिक कहा हो गया, नैसर्गिक कहा नहीं, ऐसा बहुत कुछ है। हाँ जी, इसको ठीक करके नेक्स्ट प्रश्न करिए। जैसे उसमें दोष नहीं है स्वामी जी, उसमें दोष नहीं है। नैसर्गिक कहा अयम लोक व्यवहार है ना, तो नित्या समास वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते गद्य में चलता है। नैसर्गिक कोयम लिख सकता है, नैसर्गिक कोयम है। अगर नैसर्गिक कहा अयम ऐसा लिखा तो गड़बड़ नहीं है वो। अच्छा। क्योंकि वाक्य में माने गद्य में संधि करे या ना करे अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। हाँ, पद्य में तो पोएट्री में करना जरूरी है, प्रोज में जरूरी नहीं। अच्छा जी स्वामी जी, अभी बाकी सब कुछ स्पष्ट है इसमें जी। मिथ्या ज्ञान का सत्य अत्यंत दिनी कृत्य है, तो क्या है वो यहाँ पर प्राज्ञ सत्य है, सुषुप्तात्मा सत्य है। ठीक है, और युष्मत् प्रतिबोध अनृत है, सत्य अनृत दिनी कृत्य है ना। ठीक है, यहाँ पर सत्य अनृत का वो व्याख्या शंकराचार्य जो किया उसको लोग सब लोग जानते हैं उसको, कहाँ पर सत्य असत्य मतलब मिथ्या रखकर उसको इतना सर्कस करता है जी, है ना। इसलिए सत्य भी है अनृत भी है, लेकिन उनको उनमें मिश्रण करना गलत है, वो मिथ्या है, मिश्रण मिथ्या है। ठीक, समझ गए, है ना। इसलिए ओ सत्यान देवी कृत्या आगम ममे नहीं सर क्यों अत्य आयम लोक व्यवहार। ठीक है, इति अध्यास मिथ्या भवितुं युक्तम, है ना। ओ जी आप सुनो, कैसा सिखाता है, तेनैव अहं कर्त्रा अहं प्रत्यय विषयेण प्रत्ययिना सर्वा क्रियाः निर्वर्त्यन्ते तत्फलञ्च स एव अस्माभिः। ठीक है, ज्ञातृत्व भोक्तृत्व दोनों प्रत्येगात्म में डाला या नहीं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है अहं प्रत्यय विषयेण, अहं प्रत्यय विषयेण। ठीक है, प्रत्यय प्रत्ययिना सर्वा क्रिया स्पष्ट क्या है, आम प्रति के विषय प्रति अहंकर्ता से सब क्रिया एक ही और जाती है की जाती है जी। और उनका फल वही भोगता है। ठीक है, यहाँ अमृतत्व जड़त्व परिच्छिन्नत्व और उनके आधार पर होने वाले व्यवहार जगत के धर्म है और जगत धर्मी है। ज्ञातृत्व तत्व भक्त आत्मा के धर्म है और प्राज्ञ धर्मी है। यहाँ धर्म धर्मों का अपना अग्निष्ट अभेदार्थ में नहीं लेना है कि कार्य से कारणात्म कार्य कारण से अन्य है,
लेकिन कान का अर्थ अन्य ही है, ये सत्य में रहना चाहिए। ठीक है, अर्थात धर्म धर्मी को छोड़कर धर्म का अस्तित्व नहीं है, परंतु धर्मी का अस्तित्व धर्म न छोड़कर भी रहता है। ठीक है, उपाधि के द्वारा ही धर्म धर्मी में दिखाई देता है, निर्वाधिक धर्मी में धर्म नहीं होता, नहीं होता, चाहे जगत हो चाहे प्रत्येगात्मा उपाधि द्वारा व्यवहारवान होते हैं, निर्वाधिक रूप से व्यवहार करित है ना? सत्य का है न बदलने वाला, यद्रूपेण न व्यभिचरति, है ना? हाँ जी, ओ असत्य का है बदलने वाला। ठीक है, यहाँ पर प्रयत्न का सत्यत्व और जगत का अर्थ तो सुप्रसिद्ध है। जो कोई सत्य अन्य शब्दों का अर्थ जानता है कोई इसका निराकरण नहीं कर सकता, क्योंकि प्राज्ञ में अनंत का हेतु कोई विकार नहीं है। प्राज्ञ में अनंत तत्व का हेतु कोई विकार नहीं है, विकार नहीं है। ठीक, जीरो सत्य है, हमारा अनुभव है, बचपन में सोया अभी सो रहा हूँ हो गया ना, और कोई भी सो रहे हो एक ही है, इसलिए वहां पर सत्य ही है। यहाँ पर प्रश्न जी, प्राज्ञ का सत्य कैसे है? जैसे कहा सुरुति में जो प्राज्ञ होता है स्वप्न में वही अंत प्रज्ञ और जागृत में वही प्रज्ञ होता है, अर्थात बदलता रहता है। हाँ जी, इतना ही नहीं, एक ही समय में अलग अलग लोग अलग अलग अवस्थाओं में रहते हैं, कोई सुरुति में कोई जागृत में कोई स्वप्न में होता है, इन दोनों कारणों से प्राज्ञ अंत ही बनाया हुआ है ना जी, ऐसा नहीं प्राज्ञ साहब प्राज्ञ ही है, वह मन की उपाधि से अंत प्रज्ञ और मन शरीर उपाधि के बहिष्प्रज्ञ होता है। ठीक है, परंतु अलग अलग उपाधि द्वारा अलग अलग रूप में दिखने पर भी कर्ण व्यवहार के अनुसार उसका स्वरूप नहीं बदलता। ठीक, एक पुरुष खर्ची उपाधि द्वारा रसोई के रूप में दिख पड़ने पर भी कोई यह नहीं कहता कि बिना खर्ची यह रसोई नहीं है। ठीक 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 ठीक, इसलिए वो सत्य ही है। ठीक है,